तो इसके अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने 55-250 और 50 mm लेंस क्यों रखा है, इसको हम बाद में बताएंगे। फिलहाल इसकी करते हैं हम अनबॉक्सिंग। यहाँ से करते हैं इसको ओपन एंड देखते हैं फर्स्ट ओवरव्यू इसका कैसा है। बॉक्स ओपन करने के बाद ऑब्वियसली यहाँ पर हमें कुछ यूजर मैनुअल्स एंड गाइड्स देखने को मिलती हैं। आज की डेट में इन्हें कौन ही पढ़ना पसंद करता है, एंड यहाँ पर ये वारंटी कार्ड्स वगैरह हमें देखने को मिल जाता है। एंड इस बुक्स में आप सब कुछ देख सकते हैं कि क्या क्या कैनन की तरफ से हमें प्रोवाइड करा जाता है। तो इसको अभी रखते हैं साइड में एंड अंदर की तरफ जाके देखते हैं और इसमें क्या है। तो कुछ इस तरीके से हमें कंटेंट मिलता है, कैमरा बॉडी, स्ट्रिप्स और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। पहले हम करते हैं इसकी स्ट्रिप को ओपन। कुछ इस तरह की स्ट्रिप हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम एंड स्लिम यहाँ पर दी हुई है। एंड EOS की कैनन की ब्रांडिंग है यहाँ पर, बहुत ही प्रीमियम सा फील आता है इसे पकड़ के। तो फिलहाल इसको भी रखते हैं साइड में एंड अब ओपन करते हैं इसकी जो चार्जर की केबल है। पैकिंग इसकी बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से प्रोवाइड कराई जाती है कैनन की तरफ से। तो ये चार्जर की केबल है, इसको भी हम रखते हैं साइड में एंड अब जाते हैं हम बैटरी की तरफ। तो बैटरी यहाँ पर हम ओपन करते हैं, कैनन की तरफ से एक स्टैंड मिल जाता है हमें। एंड जो बैटरी है वही सेम M50 वाली बैटरी है जो पहले कैनन के M50 में यूज होती थी। LPE 12 7.2 वोल्ट हमें बैटरी मिल जाती है, 875 mAh की यहाँ पे बैटरी है। यहाँ पर आपको मिररलेस कैमरे के लिए एक बैटरी और अलग से परचेज करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी जो बैटरी यूसेज है बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज ये एक DSLR कैमरा नहीं है। तो इसको भी हम रखते हैं साइड में। अब यहाँ पर मिलता है हमें एक चार्जर। चार्जर जो है फिनिशिंग इसकी बहुत शानदार है। तो इसको हम यहाँ पर बैटरी लगा के कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पर केबल लगा के चार्ज कर सकते हैं। तो इसको भी रखते हैं साइड में। अब हम चलते हैं इसके लेंस की तरफ। लेंस जो है इसका किट लेंस है, 15-45 mm लेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। बहुत ही प्रीमियम फिनिशिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड ये जो बटन है, इस बटन का अपना एक अलग रोल है। इस बटन को यहाँ पर प्रेस करके रखेंगे तो ही आपका जो कैमरा है वर्क करेगा, अदरवाइज बिना इस बटन के प्रेस किए आपका जो लेंस है वर्क नहीं करेगा, ये लॉक हो जाता है। यहाँ पर एंड इसको प्रेस करेंगे तो ही आपका लेंस ओपन एंड क्लोज होएगा। तो इसको भी अभी हम रखते हैं यहाँ पे साइड में। तो अब हम चलते हैं इस पूरी वीडियो का जो शो स्टॉपर है। ऑब्वियसली कैनन की जो बॉडी है EOS M50 Mark II की बॉडी, बहुत ही प्रीमियम फिनिशिंग लुक हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर ये इसकी रोटेटेबल 360 डिग्री डिस्प्ले है एंड यहाँ पर EOS M50 Mark II की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। सबसे बड़ी बात जो इसकी है, यहाँ पर जो सारे बटन है वो राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट साइड में कोई भी ऊपर भी कोई बटन नहीं है, नीचे भी कोई बटन नहीं है। तो आप इसे सिंगल हैंड से भी यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो आपको ये सेंसर मिलता है, ये एक सेंसर है। अगर आप अपनी आईज को व्यू फाइंडर के पास लेकर आओगे थोड़े से डिस्टेंस पे, इतने डिस्टेंस पे यहाँ की स्क्रीन जो आपकी क्लोज हो जाती है। एंड इसको यहाँ पर ओपन करते हैं, यहाँ पे हमें सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि 24.2 मेगापिक्सल का है एंड यहाँ EOS की ब्रांडिंग है। अगर आप इसको प्रेस करके रखेंगे आपका जो माउंट है वो ओपन और क्लोज हो पाएगा। एंड ये जो लाइट है ये ऑटो फोकस लाइट है। यहाँ पे हमें कैनन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और इस तरीके से आप फ्लैश को रेज कर सकते हैं। फ्लैश जो है बहुत ही प्रीमियम यहाँ पे हमें फील देती है, बहुत ही ज्यादा हैंडी कैमरा है, पॉकेट कैमरा है। आप इसको कहीं पर भी ले जाकर यूज करोगे तो कोई जैसे देखता है ना कि मतलब यहाँ तो शूटिंग चल रही है, वो वाली चीज नहीं आएगी। आप रैंडमली किसी भी चीज को आसानी से शूट कर सकते हैं। बहुत ही हल्का है, 350 ग्राम का कैमरा है। एंड यहाँ से आप इसको आगे की तरफ स्लाइड करके इसका जो कैप है ये ओपन हो जाता है और आप यहाँ से इस तरीके से बैटरी लगा सकते हैं। एंड यहाँ साइड में SD कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है एंड इसको यहाँ से इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर हम गिम्बल ट्राइपॉड भी लगा सकते हैं। एंड यहाँ पर कैनन की तरफ से हमें टेक्सचर फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। व्यू फाइंडर जो है इसका डिजिटल व्यू फाइंडर है। ये जो पूरी स्क्रीन है, इस पूरी स्क्रीन को आप इसके अंदर भी देख सकते हैं। मिररलेस का ये एक बहुत ही बड़ा फीचर है। एंड यहाँ पर जो है वाली पिन है, इस पिन का ये फायदा है आप यहाँ पर कोई भी यूनिवर्सल फ्लैश लगा सकते हैं। 200D Mark II में जो है वहां पर ये वाली पिन नहीं दी हुई है, बहुत से कैमरों में यहाँ पर पिन नहीं होती, तो आप उसमें सिर्फ कैनन की फ्लैश ही यूज कर सकते हैं। लेकिन M50 Mark II में आप कोई भी फ्लैश यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर लगाते हैं किट लेंस को। तो ये वाला जो पॉइंट है व्हाइट डॉट, आप इस वाले व्हाइट डॉट से मिलाकर एंड इस तरीके से यू स्लाइड करेंगे, कट सी आवाज आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका जो लेंस है वो कनेक्ट हो गया है एंड यहाँ से आप लेंस हटा के अपनी फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी कर सकते हैं। STM का मतलब यहाँ पर होता है जो आपका जो लेंस का जो आगे पीछे का जो जूम होता है, वो जो उसकी जो वॉइस होती है
है वो वीडियो के अंदर कैप्चर नहीं होती, STM का यहाँ पर ये मतलब होता है। तो फिलहाल अभी हम इसको रखते हैं साइड में। अब मैं आपको एडाप्टर की अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि एडाप्टर के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। तो ये है विल्ट्रॉक्स की तरफ से एडाप्टर, इसको अनबॉक्स करके देखते हैं अंदर क्या कंटेंट हमें देखने को मिलता है। ऑब्वियसली यहाँ पर भी बहुत से यूजर्स मैनुअल एंड वारंटी कार्ड है, इसको भी हम रखते हैं पहले साइड में। एंड बहुत ही प्रीमियम सी पैकेजिंग के साथ हमें एडाप्टर यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर एडाप्टर को हम ओपन करते हैं, विल्ट्रॉक्स की तरफ से हमें यहाँ ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है यहाँ पर। एंड इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ ये पार्टिकल देखने को मिलता है। एंड इस तरीके का ये विल्ट्रॉक्स का एडाप्टर होता है। अभी हम इसका यूज करके आपको दिखाते हैं कि इसका क्या यूज होता है एडाप्टर का। ये जो एडाप्टर है यहाँ पर रेड डॉट के साथ और व्हाइट डॉट के साथ यहाँ पर अटैच करके इस तरीके से यहाँ कनेक्ट हो जाता है। एंड बीच में कोई मिरर नहीं है। अब ये जो एडाप्टर है EF to EOS माउंट कन्वर्टर हमारा इस तरीके से काम करेगा। ये जो 50mm लेंस है ये DSLR लेंस होता है, ये EFS माउंट होता है जो कि मिरर लेस कैमरे के लिए नहीं बना। एंड एडाप्टर जो होता है, एंड जो एडाप्टर होता है एडाप्टर के थ्रू हम इस 50mm लेंस को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाता है रेड डॉट से रेड डॉट मिलाकर। अभी यहाँ पर नो कार्ड इन कैमरा दिखा रहा है तो अभी मैं कुछ शूट करके दिखा नहीं सकता। तो अभी इस कैमरे को ऑफ करके एंड यहाँ पर अब हम लगाते हैं 55 to 250mm लेंस। तो इसको यहाँ पर प्रेस करके यहाँ पर हम अपने लेंस को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर DSLR का जो EFS माउंट वाला लेंस है उसको हम मिरर लेस में यूज कर सकते हैं इस वाले एडाप्टर के थ्रू। इस तरीके से यहाँ पर ये लग जाता है एंड कुछ इस तरीके की फील हमें यहाँ पर देता है। बहुत ही ज्यादा प्रीमियम एंड स्मूथ इमेजेस हमें यहाँ पर इस लेंस के थ्रू देता है। तो यहाँ पर एडाप्टर का यही यूज है। एंड यहाँ पर हमें एक स्लाइडर देखने को मिल जाता है जिससे आप iOS वगैरह यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यहीं पर हमें शटर का बटन देखने को मिल जाता है जिससे आप फोटो को क्लिक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर कुछ मेन्यूज वगैरह कुछ ऑप्शन होते हैं, मोड्स होते हैं। एंड इस साइड पर हमें HDMI स्लॉट देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू आप LCD में भी अपने कैमरे को कनेक्ट कर सकते हैं एंड कंप्यूटर्स में भी। एंड यहाँ पर हमें एक ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू आप अपनी YouTube वीडियोस को शूट कर सकते हो। तो ये थी भाई Canon M50 Mark II की अनबॉक्सिंग। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू विजिट करे तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय एंड टेक केयर।